और आज मैं ब्लैक स्पाइडर 25 एफेड्रा जो क्लोमा फार्मा की है उसे रिव्यू करने वाला हूँ, साथ ही साथ क्या साइड इफेक्ट्स है और कैसे रिजल्ट्स मिलेगी सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। कोई भी फैट बर्नर क्या वो पैसों की बर्बादी है या नहीं वो हमें न्यूट्रिशन लेवल देखने से ही पता चलता है। सो हर एक इंग्रेडिएंट के अपने ही फायदे हैं और साथ साथ साइड इफ़ेक्ट्स भी है। सो कुछ इंग्रेडिएंट्स मैं समझाने वाला हूँ आपको जो आपको ज़रूर जानना चाहिए अगर आप ये फैट बर्नर खरीदने वाले हो। सबसे पहले एफेड्रा एक्सट्रैक्ट जो मशहूर है मोटापा कम करने के लिए और वजन घटाने के लिए। ये इंग्रेडिएंट वैसे तो यूएसए में बैंड है क्योंकि इसे लेने के बाद हार्ट रेट इंक्रीज़ होने की संभावना है। साइड इफेक्ट्स के बारे में बाद में आपको समझाने वाला हूँ डिटेल्स में। कैफीन एनहाइड्रेस और थियोब्रोमाइन ये दोनों का एक ही काम है, मतलब जोश दिलाना वर्कआउट ताकि आपको नींद ना आए किसी प्रकार से, स्पेशली अगर वर्कआउट से पहले आपको नींद आ रहा है या बिल्कुल आलस लग रहा है। फिर थियोब्रोमाइन और कैफीन एनहाइड्रेस दो इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल मदद करेगी जिम हिट करने में। वाइट फ्लो बाग और गोराना ये आपके हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोला नट और सिट्रस ऑरेंटम ये दो जो है ये आपके हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर स्पेशली आपको ऐसा होता है कि फैट बर्नर या कुछ भी प्री वर्कआउट लेने के बाद अगर पेट बहुत ज़्यादा ख़राब होता है तो ये दो इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो आपको पेट की जो हालत है वो ठीक रखने में मदद करेगी। कायन और ग्रीन टी ये मेटाबॉलिज्म को आपकी फास्ट करेगी। जिनकी भी मेटाबॉलिज्म स्लो है तो अब क्या होगा, जितनी ज़्यादा मेटाबॉलिज्म आपकी फास्ट होगी उतनी ज़्यादा आप क्या होगा कि आप कैलोरीज बर्न कर पाओगे और जितनी ज़्यादा कैलोरीज आप बर्न कर पाओगे उतनी आसानी होगी आपको फैट लॉस गोल्स में। जिंजर रूट ब्लैडर वैक टेट्रा हाइड्रोक्सी फेवियन ये जॉइंट के हेल्थ के लिए और आर्थराइटिस की जिनको प्रॉब्लम है उसे बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है। वो इसलिए क्योंकि अब जायज़ सा बात है अगर आपकी वजन बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा कि उठने बैठने में या चलने में क्या होता है कि पूरी जो बॉडी की लोड है वो सीधा घुटनों में आ रही है, तो इससे आपको राहत मिलने वाली है। गार्निशिया कंबोडिया ये भूख को कंट्रोल करती है। क्या होगा कि अगर भूख कंट्रोल हुआ तो आप कम कैलोरीज खाओगे, अगर कम कैलोरीज अगर खाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है कि आप कैलोरिक डेफिशिएट में रह रहे हो, तो इससे क्या होगा कि आप फैट लॉस आराम से कर सकते हो। अब बात करते हैं रिजल्ट्स की, क्या ब्लैक स्पाइडर कैप्सूल्स लेने से ही सिक्स पैक एब्स आ जाएंगे और आ भी जाएंगे तो कितने दिन लगेंगे। तो सबसे पहले आप ये सोचें कि अगर आप सोच रहे हो कि ब्लैक स्पाइडर कैप्सूल सिर्फ लेने से आप ये उम्मीद में बैठे हो कि जो 10-20 साल में नहीं हुआ है वो अब होने वाला है, तो ये अनरियलिस्टिक जो एक्सपेक्टेशन है ये आपको नहीं रखनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि होगा ये, अगर आप कैप्सूल लेते हो ब्लैक स्पाइडर की तो 2-3 महीना आप कंटिन्यू करोगे कैप्सूल खाना, उसके बाद जैसे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगी फिर आपको लगेगा कि ये सप्लीमेंट ही बेकार है। आपको ये कभी भी ध्यान में नहीं जाएगा कि डाइट नाम की भी कुछ चीज़ होती है जो 90% कंट्रीब्यूट करती है आपके रिजल्ट्स के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री फैट लॉस प्रोग्राम्स विद डाइट के साथ डिज़ाइन की हुई है, होम वर्कआउट जिम वर्कआउट जैसा आपको रिक्वायरमेंट है सब कुछ है इसमें, बस आपको क्या करना है कि फॉलो करना है। और बहुत लोगों को दिक्कत है कि ये फ्री प्रोग्राम्स के बारे में पता नहीं है, और दूसरी कैटेगरी है जो लोग एक्सक्यूजेज मारते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है या मेरे घर वाले अगेंस्ट है एक्सरसाइज के। सो ये आपके ऊपर है। और रहा बात रिजल्ट्स का, तो ये आपके करंट बॉडी फैट परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर करंट बॉडी फैट परसेंटेज 15% के आसपास है तो आपको 1-1.5 महीने लगेंगे सिक्स पैक एब्स पूरे श्रेडेड होने में, और अगर आपकी 25-30% के आसपास है तो 4-5 महीने करीब लगने चाहिए। ब्लैक स्पाइडर 25 कब और कितना लेना है ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा कि साइड इफ़ेक्ट्स होने की भी चांसेस हैं। सो आपको ये करना है कि ब्लैक स्पाइडर ब्रेकफास्ट के बाद एक कैप्सूल लेना है, उसके बाद आपको अपनी टॉलरेंस चेक करना है कुछ दिन तक। अगर किसी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं दिखती है तो आप क्या कर सकते हो कि आफ्टरनून में लंच के बाद आप और एक कैप्सूल ऐड कर सकते हो, मतलब दिन में मैक्सिमम 2 कैप्सूल आपको लेना है। और ब्लैक स्पाइडर की ऑफिशियल वेबसाइट में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि 3 कैप्सूल से ज़्यादा किसी भी प्रकार से क्रॉस ना करें। मैं 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद अपने सब्सक्राइबर्स को 5 बड़े बड़े प्रोटीन के डब्बे गिव अवे करने वाला हूँ, जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं वीडियोस को और किसी भी प्रकार से हेल्प कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स को मेरे वीडियोस को उन तक पहुंचाने में। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल पे क्लिक करें और ऑल पे सिलेक्ट करें ताकि सारी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलती रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूं। सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकॉन को ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की जिसका आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो।
सो अगर आपको किसी भी प्रकार की मेडिकल कंडीशंस है जैसे हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट की प्रॉब्लम, फिर तो आपको बिल्कुल ये इस्तेमाल नहीं करना है। और इसमें है एफेड्रा एक्सट्रैक्ट, इंग्रेडिएंट्स में आप देखे होंगे। तो ये क्या करती है कि आपकी हार्ट रेट जो इसे बढ़ाती है, तो ये एक दिक्कत है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इसमें कैफीन एनहाइड्रस है, तो इसीलिए आपने नोट किया होगा कि मैंने कुछ देर पहले डोसेज एंड टाइमिंग वाले में मैंने बताया कि आपको डिनर में नहीं लेना है, इसीलिए क्योंकि अगर आप डिनर में बाई चांस ये कैप्सूल लेते हो तो क्या होगा कि बॉडी ये समझेगी कि आपको अब जागना है, क्योंकि ये कैप्सूल में है कैफीन एनहाइड्रस, और कैफीन एनहाइड्रस का काम होता है मेंटल अलर्टनेस या फोकस या जगाएगी आपको रात को। क्लोमा फर्मा ब्लैक स्पाइडर की प्राइस है इंडिया में लगभग 1600 रुपये 100 कैप्सूल्स की, जो आराम से 50 दिन चल जाएंगी आपको। और क्योंकि ये इंटरनेशनल ब्रांड है और ये फेयरली प्राइस है, मतलब ना बहुत ज़्यादा दाम है ना बहुत कम है। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग, लाइक करिए वीडियो को अगर आपको हेल्प मिली। अगर आपको किसी भी प्रकार की इस वीडियो से डाउट है तो नीचे कमेंट करना ना भूलें, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। आप मेरे सोशल मीडिया फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज अमित फिजिक्स से भी कनेक्ट कर सकते हो अगर आपको पर्सनल किसी प्रकार की मदद चाहिए। सो टेक केयर, पीस, कीप सपोर्टिंग। दिस इज अमित साइनिंग ऑफ।